हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 14 जून 2023 जीके क्विज़ लेकर एक बार फिर मैं हिमांशु, आप सभी का हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप रेगुलर बेसिस पे हमारे सेशंस फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप ये स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को आप एंड तक देखा करें, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो सुबह 8 बजे का, चाहे वो शाम 4 बजे का जीके क्विज़ हो। साथ के साथ वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नीलगिरी की पहाड़ियों में आम पेड़ प्रजाति है तो ये है यूकेलिप्टस। नाम ही बड़े थोड़े से इनके भारी भरकम है, तो यूकेलिप्टस जो है वो करेक्ट आंसर है इसका ए। ठीक है, यूकेलिप्टस भी बोल सकते हैं, ई साइलेंट भी हो सकता है। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो समुदाय के 2 सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है तो ये है इंदिरा गांधी कनाल। मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है तो ये है थोरियम। निम्नलिखित में से किसने संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार 2009 के लिए थिएटर में प्राप्त किया था तो ये हैं अबांती चक्रवर्ती एंड शुक्राचार्या राभा। ठीक है, इनके दोनों के नाम हैं ये, शुक्राचार्या राभा। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस बना होता है फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट ग्लास। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक की आयु पूरी करनी चाहिए थी 35 साल। किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है तो वो है आंवला। आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। ग्रुप वेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? स्टेटिस्टिक्स में स्प्रेडशीट अत्यधिक उपयोगी है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल्स पे जो हम लोग स्प्रेडशीट्स देखते हैं, गूगल स्प्रेडशीट्स आजकल बहुत नॉर्मल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर एंट्रीज़ गूगल के द्वारा स्प्रेडशीट के द्वारा शेयर की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच 14 जून 2023 का सेशन मेरे साथ देखने के लिए। मैं हिमांशु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ और शाम 4 बजे जीके क्विज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब एंजॉय करें, खूब पढ़ाई करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।